अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इसके YouTube चैनल। ये प्रोजेक्ट है भाई टिपू भाई का जो हमने लगाया था, ये देखें। अब इसकी जो है पंप के अंदर जो है ना, इसका जो है गहराई जो है वो 11 फुट की है। 11 फुट के आगे हमने ये पाइप लगाया और इसको ये 4 इंच की हमने पुली लगाने के बाद जो है इसको पीटर इंजन के ऊपर चलाया। तो आपको दिखाते हैं, ये हमारे हमने डीजल नापने के लिए लगाया था। इसके अंदर देखें कि एक घंटे के अंदर ये डीजल जो है वो कितना खाता है। अभी घंटा पूरा नहीं हुआ, जो भी होगा हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह वीडियो में। ये हमारे यहाँ के चंद्र भाई हैं। चंद्र भाई छा तो चाहिए की हले तो यो मथे गला थोड़ो। हाँ यो बस शुरुआत करियो ना। हाँ दिसो डीजल जी खबर पे केतरो डीजल खाए तो कलाक में केतरो कोने आए हैं। दाज पखे का पानी भी सुठो पे कटे अजियो पखो आए। अच्छा यो मना नऊ सिस्टम आयो आए सही। वाला ये उनके जो मलादे में वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास ऑलरेडी जो है 10 का पंप लगा हुआ था। ठीक है, डीजल है ना पक्के, डीजल इंजन वधी खाए 10 का पंप लगा था। वो कह रहे हैं कि इस पंप के ऊपर ये डीजल ज्यादा खाता था। फिर हमने जो है एम साबर ऑटो इंजीनियर वर्कर्स वालों ने जो ये पंप इनको तैयार करके दिया ना, तो इसके ऊपर इनकी डीजल की एवरेज चेक कर रहे हैं। अभी तक जो हमने आधा घंटा चलाया तो आधे घंटे के अंदर जो डीजल की एवरेज आई है वो तकरीबन आधा लीटर से भी कम आई है। तो ये वो बेसिक है, फिर चलाने के बाद आपको दिखाते हैं। लेकिन हम जो है अभी चलते हैं यहाँ के जो ऑनर हैं चौधरी टीपू के पास, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पास चलते हैं, फिर उनसे भी मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम टीपू भाई। अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह का करम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह, सेहत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे है आपका पंखा, हम लोगों ने बनाया, कैसे क्या महसूस करते हैं? क्या कहना? पसंद आया। हाँ जी, बहुत पसंद आया। बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। पहले मेरा डीजल का खर्च 3.5 लीटर तकरीबन घंटे में लग जाता था। 3.5 लीटर एक घंटे में? जी हाँ। अच्छा, अब जो है वो तकरीबन आ गया है 1.25 लीटर का फर्क पड़ गया। तकरीबन लीटर का ही लगा लें या 1.25 लीटर? लीटर का तकरीबन लगा लें। कह रहे हैं कि 1.25 लीटर या लीटर का फर्क आ रहा है, अभी कंटिन्यू चलाएंगे तो पता चलेगा। जो आधा घंटे लीटर पे तकरीबन आ जाएगा। हाँ जी, जो आधा घंटे हमने चलाया ना उसकी से भी कम पे 1.25 लीटर पे आ जाएगा। 1.25 लीटर पे? 1.25 लीटर पे आ जाएगा। 25 का मेरा इंजन है, 25 हॉर्स पावर का। हाँ जी, 25 HP का ना। 8 इंच का ये पंप है। हाँ जी, इस पंप ने ना हमें बहुत सहूलत दी, पानी भी ज्यादा है, हर चीज है। अब देखें, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है ना लोग जो है वो ट्रैक्टर के ऊपर चलाते हैं। ये सारा रकबा जो है वो ये टीपू भाई का, ये पीछे बाग वगैरह साफी काफी सारा लंबा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कस्टमर है, आप मुतमैन है जी हमसे? बिल्कुल जी, 100%। कोई दो नंबरी कोई ऐसा नहीं जी, कोई चीज नहीं है। बेहतरीन आपने बनाया है, जबरदस्त बनाया है, मजबूत चीज बनाई है, इसमें रिपेयर नहीं निकलेगी जी। ठीक है ना, दूसरा पंप हम इस्तेमाल करते हैं ना 8 इंच का या 10 इंच का। हाँ जी, उसकी 4-6 महीने के बाद रिपेयर निकलती है और काफी खर्चा होता है। सही है, इस पे खर्च नहीं होगा। चले, बहुत शुक्रिया टिप्पू भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, ये और कामयाब करे। आमीन आमीन। तो ये मैं बहुत खुश हूँ, ये उनका फीडबैक मिला, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है ना खाली एक पंप नहीं है, ये हम आपको दिखाते हैं। देखो कितने पंप जो है। हाँ एकड़ो मिनट भेजा, वो कह रहा था कि चालू करें, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दें। अब ये देखें यहाँ पे जो है ना एक पंप नहीं है, ये कितने तादाद में पंप लगे हुए हैं। अब देखो वो ये प्रोजेक्ट है हमने जो लगाया यहाँ पे, एक नई चीज़ है इन सब के लिए। अब ये वाले पंप जो है ये आपके सामने देखें ट्रैक्टर के ऊपर चल रहा है और पानी की मिकदार आपके सामने है ट्रैक्टर के ऊपर, जैसे ये पानी निकाल रहा है। ये देखें इतना बड़ा ट्रैक्टर चल रहा है, रूसी ट्रैक्टर है, तो तेल की एवरेज क्या होगी। अब वहाँ पर इन्होंने स्टार्ट कर दिया ना, ठीक है, तो वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ कि क्या हमारी जो है परफॉर्मेंस वगैरह ऐसे से निकलती है, आपको दिखा देते हैं। ठीक है,